स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, सीमा भी है कहाँ पे है जी? सीमा भी है हमारे साथ? जी सीमा भी है, शहबाज आपको अनवर्ट किए। कल बता दिया प्लीज, कल हमने क्या किया था? हाँ जी, ये आपको अनवर्ट किया, ऐसी मारिया शहबाज आपको अनवर्ट किया। अच्छा चलिए ठीक है, कल आपको बहुत ज्यादा याद फरमाया पूरी क्लास ने, कल आप हमारी को होस्ट थी, सेकंड होस्ट, और आपका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ कल, आपने मिस कर दिए। चलिए ठीक है, आप देख लीजिएगा आज। अच्छा यहाँ पे कल हमने खत्म किया था, मुझे बताएं कि कहाँ तक पहुंच गए थे हम, कोई बता दीजिए क्या डिस्कस हो रहा था, कहाँ पे एंड हुआ था, उसे आगे चलते हैं। देन वी विल स्टार्ट सोर्सिंग इंशाल्लाह, ठीक है, इसको फिनिश करके। हाँ जी, वो हैंड इस करके बता दे कहाँ पे खत्म हुआ था, क्या बात क्या चल रही थी। ब्लैक बॉक्स से हमने कीवर्ड हंट, वो आगे निकल गए थे उससे, ब्लैक बॉक्स से हमने कीवर्ड हंट कर ली थी, ये दो कीवर्ड निकाले थे हमने, एक था हमारा ये वाला लूम बैंड किट और दूसरा ये था जिमनास्टिक बार, ठीक है, इसकी चल रही थी वैलिडेशन, इस पर एक्सरे हमने रन किया था और अगला काम होना था। हाँ जी, ग्रोथ ग्राफ हमने देखा था उसका, वो ग्रोथ ग्राफ था बेसिकली सर्च वॉल्यूम का, कि सर्च वॉल्यूम की ग्रोथ किस तरह की है, और वो हम देखा था कि इवेंचुअली वो इंक्रीज हो रहा था सर्च वॉल्यूम, स्टार्ट 2-3 हज़ार से हुआ था और होते 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 अब 17,000 तक पहुंच गया था, तो उसे हमें पता चला कि प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, इट्स इंक्रीजिंग, और ऑल दो कि 17,000 तक सर्च वॉल्यूम पहुँच चुका है, लेकिन अभी भी there is a lot of room because the competing products are very less. 214 सिर्फ competing products हैं, competing products ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा ये जो हमने product hunt की थी ना, एक चीज़ इसको ध्यान में रखें कि ये हम कर रहे थे 5-6 हज़ार pounds के budget के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें उस हिसाब से sales भी कम है, revenue भी कम है, और आपका जो ओवरऑल जो रिव्यूज हैं आपके कंपिटेटर इसके वो भी कम है, आपको स्टॉक भी कम लेना पड़ेगा क्योंकि सेल्स कम है, और प्रोडक्ट भी कम वेट वाली है, ठीक है, ज्यादा वेट भी नहीं है उसका। अच्छा इसके बरक्स एक और प्रोडक्ट थी जो दूसरी, इसमें भी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम है,
सर्च वॉल्यूम वगैरह वो हमने देखा नहीं अभी, लेकिन इसका वेट ज्यादा है, ठीक है, जिमनास्टिक बार्स इसका वेट एंड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन प्राइस भी ज्यादा है, ठीक है, प्राइस भी इसकी ज्यादा है, प्राइस आ रही है तकरीबन 84, 99, 63, एवरेज आप लगा लें कोई 70 के करीब प्राइस है इसकी। तो इसके अंदर पर स्ट्रेटजी क्या रखी जा सकती है कि जिमनास्टिक बार में आप जो स्टॉक बाय करें, आप कम स्टॉक बाय करके, फॉर एग्जाम्पल आप 50 यूनिट से स्टार्ट कर लें, 100 यूनिट से स्टार्ट कर लें, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स के आपको कितना सेल्स शेयर मिलेगा। जबकि दूसरी जो प्रोडक्ट है लूम बैंड किट, क्योंकि वो लो वेट एंड वॉल्यूम है और SNL में भी की जा सकती है, तो इसमें आप आइटम्स ज्यादा ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, आप इसके को 5 यूनिट भी इकट्ठे मंगवा सकते हैं। लेकिन अगेन ये आपका बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है सेल शेयर के ऊपर भी, कि आपको सेल शेयर कितना मिलने वाला है उसमें से, जितनी सेल्स आपके कंपटीटर्स की चल रही है उसमें से आप कितनी अचीव कर पाएंगे, आप कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे उतनी सेल्स तक पहुंचने के लिए। अच्छा जी, ये वाली प्रोडक्ट का 12,000 सर्च वॉल्यूम है, जिमनास्टिक पार्क का स्पॉन्सर्ड को हम डिलीट करते हैं। किड्स की आई थिंक टॉय टाइप कैटेगरी के अंदर आएगी ये, टॉयज एंड गेम्स के अंदर। अच्छा जी, रिव्यूज 268 पे, 565, 61 पे, 34, 70 पे, 24, 81 पे, 40। कीप लुकिंग एट द प्राइस एज वेल, कि अगर प्राइस उनकी बहुत ज्यादा है, लाइक दे आर सेलिंग फॉर 198, 81 रिव्यूज है, 198 पे भजन सेल कर रहे हैं, और वही चीज होगी जो बाकी सब भी बेच रहे हैं, थोड़ा सा कोई एड ऑन कर दिया होगा, एंड ही इज मेकिंग 8,000 पाउंड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, 13 यूनिट है, 50, 13 रिव्यू है, 50 यूनिट सेल कर रहे हैं महीने के। अच्छा, इस प्रोडक्ट के इसका पहले बीए फीस देख लेते हैं, 23, 17, 19, 22, 21, ठीक है, रेटिंग ठीक है, ब्रांड डोमिनेंस नहीं है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, स्टैंड साइज, फुलफिलमेंट। अच्छा ये देखें जी, फुलफिलमेंट में यहाँ पे MFN आ गया, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि इसकी FBA फी जो कि बहुत ज्यादा है उसको पॉप अप करने के लिए, लाइक इट्स 23 pounds, तो 23 pounds को बचाने के लिए इस बंदे ने क्या किया है, MFN कर लिया, मतलब अपने वेयर हाउस में रख के स्टॉक को, तो इसको सेल कर रहा है, ठीक है। तो अगर 23 pounds की सेल शिपिंग आपको पड़ रही है FBA में, तो वहां पे आपको मे बी ये 10 की 15 की पड़ जाए, तो यू विल बी सेविंग अ लॉट, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या सकता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू गॉट अ लॉट ऑफ बजट टू स्पेंड ऑन PPC। उसकी वजह ये है कि अगर इसकी प्राइस है 80 पाउंड्स प्राइस है, तो आप इसमें से लगा लें, हम अलीबाबा पे चेक कर लेते हैं ना कॉस्ट इसकी, नहीं पाकिस्तान से अभी हम नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट टाइम, ठीक है, वहीं से होगा कि कॉस्ट भी देख लेते हैं अलीबाबा से। सर्च वॉल्यूम मंथ का होता है, ये मंथली होता है, ठीक है।
अच्छा, अलीबाबा पे एक फीचर है, आप लोगों ने में से शायद काफी ने ना यूज किया हो। उसमें क्या है कि आप पिक्चर से ही सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू डोंट नो द राइट कीवर्ड या उस कीवर्ड के ऊपर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, तो फिर आप पिक्चर से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन आती है पिक्चर वाली, उसको देख लीजिएगा। इधर ही होती थी ये सर्च के साथ ना, यहाँ पे इधर बना होता है वो इमेज अपलोड करने वाला, ये वाला ये आ गया। जी कोई टाइमिंग का इश्यू है ना, अगर आप देखें कहीं पे अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, शॉपिफाई पे या किसी और चीज पे जहाँ पे वेट किया जा सकता है, एटसी पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर रहे हैं तो उधर वेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो टाइमलाइंस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उसे एक दिन भी अगर ऊपर होता है तो आपका एलएसआर खराब हो जाएगा, लेट शिपमेंट रेट, और फिर आप उसको रिकवर करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। वो वाला नहीं आ रहा, जिमनास्टिक बार, जी नहीं, सेम इन्फो पे सेपरेटली नहीं है, आप साइन अप कर सकते हैं। वो एक दफा आपने कर लिया है तो वही वाला होगा। इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल वो एक ही चीज है। फिर मैं इसे सर्च करके देखते हैं, वो ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। हाँ जी, शायद किट ऐड नहीं किया मैं भी, इस वजह से वो सर ठीक नहीं है। ये देखिए एग्जैक्टली आ गया वही, लुक एट द प्राइस 23, 26, 21, द एवरेज इज समहाउ 20 के करीब ना, इसकी जो आपको वो है वो हो जाएगा 20 के करीब, लेकिन अब इसका वेट कितना है, मिल तो जाएगा 20 में, वेट कितना है इसका, देखिए इमेज से कितनी एग्जैक्ट सर्च हुई है, उसने सारे आपको निकाल दिए हैं। वो मीन्स ये जो इमेज वाली सर्च है ना, दैट इज मोर यूजफुल स्ट्रेट वे, जस्ट रीच द प्रोडक्ट जो एग्जैक्टली वही है, और आपको सारी वही लिस्टिंग्स मिलती हैं इंस्टेड ऑफ उस तरह की सेम। अगर और भी कोई है वो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा जी, वेट है इसका 8.6 kg। वह एक और इशू है कि आपको इसको, एक तो ये बात सही आएगी, बगैर नहीं मंगवा सकते, ठीक है, और
और बाय सी जब आएगी तो योर टारगेटेड जो शिपिंग प्राइस है वो तकरीबन होगी 2-2.5 डॉलर से की होगी आपकी, ठीक है 2.5 तक लगा लें आपकी जो TTP प्राइस होनी चाहिए। ऑल्दो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि ये कि पैकेज के अंदर एक पीस की 8.6 kg इसका क्रॉस वेट है, ठीक है नेट वेट 7.6 kg है, बाकी पैकेजिंग का है 1 किलो। तो ये पड़ जाएगी हमें कितने की, हम लगा बताए जी 18 इसकी प्राइस प्लस उनकी वो रिटेल में लिखा हुआ ना, और हम उसको बल्क में बाय करेंगे तो 18 तक मिल ही जाएगी, प्लस जो 8 kg का 2.5 हम लगाते हैं तो ये 20 बन जाएगी तकरीबन आपकी शिपिंग फ्रॉम चाइना टू UK, ठीक है 38 हो गया। अब 38 के बाद जो आपकी है अगर आप इसको FBA करेंगे तो फिर तो पैसे नहीं बचने वाले आपको, FBA में नहीं बचेंगे क्योंकि 2023 pounds तो FBA की प्राइस है, ठीक है तो इसमें अगर आप 23 ऐड कर लें, ठीक है 61 प्लस अभी रेफरल फी अभी होनी है, रेफरल फी अभी ऐड होनी है, अच्छा जी हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। 61 तो ये होगी ना हमारी FBA प्लस उसकी प्रोडक्ट की प्राइस प्लस शिपिंग, ठीक है तो 15% अभी हमारी रेफरल फी है, तो अगर हम 80 की सेल कर रहे हैं तो into 0.15 जी 12 तो वो भी आ गई, तो 61 प्लस 12 ये ले 73 की दूरी आपको पड़ेगी, ठीक है तो इस पे बचेगा क्या फिर, तो उसका फिर बेहतरीन हल है एक तो MFN अगर आप कर रहे हैं तो आपको 10 pounds के करीब तकरीबन वहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है तो ये फिर आपको पड़ी होगी 63 की, ठीक है उसमें फिर आपको 7-10 pounds वहाँ पे बच जाएंगे। और दूसरा ये चीज़ है आपकी जो शिपिंग अगर आप बल्क में लेते हैं तो शिपिंग के ऊपर पैसे बचाने पड़ेंगे, जो चाइना टू आपकी UK या US शिपिंग है उसके ऊपर आपकी कॉस्ट सेविंग आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट वॉन्ट बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। MFN मतलब अगर आप अपने वेयर हाउस से स्टॉक लेके और अपने वेयर हाउस से उसको शिप करवाते हैं, ठीक है तो ये तो भाई कैंसिल है। कैंसिल क्यों है, जस्ट बिकॉज हम कम क्वान्टिटी में शिपमेंट करवा रहे हैं चाइना टू US या UK और वो हमें एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करवाते हैं तो फिर उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। अदरवाइज एज पर दिस रिव्यू एंड सेल्स रेशियो एंड रिव्यू एंड द रेवेन्यू रेशियो इसके अंदर मसला कोई नहीं, ठीक है लॉन्चिंग इन लो बजट, तो इसको वैसे लोकली भी देखा जा सकता है कि लोकली अगर आप सोर्स कर सकते हैं UK US से तो वो लोकली क्या कितने की मिल रही है, और उसमें लोकल में ये कि आप 10 pieces भी लेके बेच सकते हैं फिर तो उसके अंदर अगर आपको 5-5 pounds भी बचते हैं 5-10 pounds भी बचते हैं तो इट्स नॉट बैड, ठीक है। हाँ जी PPC
लेकिन पीपीसी पे उतना स्पेंड नहीं होगा ना, पीपीसी चलेगी, पीपीसी पे उतना ज्यादा स्पेंड नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं। ठीक है, देखिए पीपीसी की कॉस्ट जो है इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। आपकी जितनी ज्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट है, जितने ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट पे सेल कर रहे हैं, उतनी ज्यादा पीपीसी कॉस्ट होगी क्योंकि आपकी पर क्लिक बिड बहुत हाई होगी। ठीक है, जब कम लोग होंगे तो आपकी पर क्लिक बिड भी लो होगी। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट प्राइस और कैटेगरी पे भी डिपेंड कर रही होती है हल्की सी प्राइस, लेकिन ज्यादा जो फैक्टर होता है वो यही होता है कि कितने लोग कम्पीट कर, जब कम्पीट करने वाले लोग कम है तो फिर पीपीसी भी एक तो इजीली आपको कन्वर्जन मिलेगी और प्राइस कम आएगी। अच्छा जी, दूसरी तरफ थी ये, इसके अंदर आपको करना ये है कि आप जो 6.39 या ये वाली अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आदर यू विल बी सेलिंग इट फॉर 9.99। ठीक है, या फिर 12-13 में सेल करेंगे। 9.99 पे सेल करने का मतलब है कि आप उसको एसएनएल के अंदर ले आए, और 12-13 पे अगर सेल करेंगे तो वो एसएनएल से बाहर निकल जाएगी, बट इवन देन इट वुड बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो इसकी आप चेक कर लेंगे अलीबाबा पे प्राइस। अच्छा, हम करते हैं किसकी करें, किसकी करें, ये वाला भाई जो है ना, नहीं इसकी प्राइस कम है। फाल्कन 9 प्राइस है, सेल्स अच्छी है, ये इसको कर लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं होता हमेशा कि जो नंबर 1 पे है आपका वो ही कंपटीटर हो, या आपने उसी को बनाना। ठीक है, या सेकंड वाले को भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। सेकंड वाला जो है ये, इसकी भी 11.99 प्राइस है और कम सेल्स पे कम रिव्यूज के साथ इज मेकिंग गुड रेवेन्यू। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को कोका कोला और पेप्सी स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से भी इधर नजर आ रही होती है। ड्यू ना किया तो, किया तो कुछ ना किया वो वाले भी कर देते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट देखिए, जो हम पीपीसी एड चला रहे होते हैं ना, वो एड की वजह से वो बेसिकली ऊपर आ रही होती है नजर, यहाँ पे सर्च बार में ऊपर नजर आ रही होती है। तो अभी मैं इसको बंद करके फिर आपको दिखाऊंगा, नहीं तो दोबारा ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं जिसपे पीपीसी रन हो रही है। अच्छा, सायर अर्शद 12 वाली इसीलिए निकलेगी क्योंकि उसमें एसएनएल में प्राइस की भी थ्रेशोल्ड है ना, उन्होंने प्राइस की थ्रेशोल्ड लगाई कि इतनी आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते, अगर इससे ज्यादा प्राइस रखेंगे तो यू विल बी गेटिंग चार्ज फॉर नॉर्मल एफपीए फी। ठीक है, आपको रिड्यूस्ड एफपीए फी नहीं मिलेगी अगर आप प्राइस ज्यादा रखते हैं तो। ले जी, ये वाली जो है ना, इसको हम कर लेते हैं सर्च। असाइनमेंट पे काम शुरू किया है किसी ने या नहीं, क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? हाँ जी, रिटर्न्स भी आते हैं बिल्कुल, और रिटर्न्स फिर बड़े बड़े कार्टन में भर के पाकिस्तान आ जाते हैं, फिर लोग उस पर लगाते हैं सेलें। ये यूके की प्रोडक्ट आ गई है, ये अमेरिकन अमेरिकन चीज है, ये अमेरिकन लाइट है, अमेरिकन की है भाई। अमेरिकन कहाँ से, वो उन्होंने भी चाइना से मंगवाई हुई है, और चाइना से मंगवा के और वो भी वो सेल कर रहे होते हैं जो वो रिटर्न्स होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटर्न्स आर फॉल्टी। ठीक है, रिटर्न कोई क्यों करता है, किसी में तो मसला होता है तो करता है ना। तो वो फिर चीजें यहाँ पे पाकिस्तान में लोग इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करने के बाद इधर आपने कोई फेसबुक पे देखा होगा ग्रुप्स वगैरह बना के, तो उसके अंदर सेल कर रहे होते हैं, क्या अमेरिकन चीजें बेच रहे हैं हम सस्ती।
पाकिस्तान में नहीं आती, रिटर्न्स देखिए अमेजोन वेयरहाउस में ही आती हैं। और वहाँ पे आने के बाद होता क्या है कि जो रिटर्न्स होती हैं उसमें से कुछ फॉल्टी होती हैं, मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर फॉल्टी, ठीक है। अब उन फॉल्टी आइटम्स को अमेजोन कहता है कि आपकी ये इन्वेंट्री सेलेबल नहीं है, आपकी ये इन्वेंट्री सेलेबल नहीं है, आप इसको या तो वापस मंगवा लें, ठीक है, या फिर आप इसको डिस्कार्ड करवा लें। अब जब आप उसको वापस मंगवाना समटाइम्स इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि आपके पास वापस मंगवाने के लिए वेयर हाउस स्टोर करने के लिए नहीं होता, और आ भी जाएगी तो चीज़ों की पैकिंग खराब है, और वो उसके अंदर से कस्टमर ने निकाल के कोई खराब की होती है, कोई यूज़ की होती है। अब ये वाली किट कोई मंगवा ले और आधे बीच में से ये बैंड जो है वो गायब किए हुए उसने, तो हमें क्या पता, तो फिर क्या होगा कि अब ये हम इसको दोबारा तो नहीं सेल कर सकते ना। तो फिर इसका हल ये होता है कि उसको अक्सर लोग डिस्कार्ड करवा देते हैं अमेजोन पे ही, या उसे कहते हैं कि आप इसको डिस्कार्ड करते हैं। अब जो डिस्कार्ड होती है तो वो बेसिकली इसको सेल कर देते हैं, उसकी बड़ी बड़ी पैलेट्स बना के वहाँ पे उनके वेंडर्स हैं, वेंडर्स को वो सेल कर देते हैं कि भाई ये हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लेंगे स्क्रैप कर देते हैं जी, तो स्क्रैप के अंदर लोग उसको खरीद लेते हैं। यूके में फॉर एग्जाम्पल सप्लायर बैठे हुए हैं, वो उस स्क्रैप को या डिस्कार्डेड आइटम्स को पैलेट्स को खरीद लेते हैं, पूरा कंटेनर खरीद लिया। अब वो कंटेनर भर के कहाँ जाता है, पाकिस्तान जाएगा, इंडिया जाएगा, या बांग्लादेश जाएगा, या अफ्रीका कहीं पे जाएगा, ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ें फिर सेल होती हैं। अक्सर ये सुना होगा ना, DHL लॉट का माल है जी, अमेजोन का माल है, ये बोला होता है। अच्छा जी, ये हमें मिल रही है, एक चीज़ इसमें कंफर्म करना जरूरी है, 5000 प्लस रबर लूम, ठीक है, 5000 प्लस, तो हमें जो चाहिए है 5000 प्लस वाल चाहिए, 0.99 1.38 मिल रही है, इसके अंदर कितने हैं, 11,880 रबर बैंड है, ठीक है, तो हमें चाहिए 5000 वाली, हमें तो सस्ती ही चाहिए, इसमें 12,000 प्लस है, तो यहाँ पे हम सर्च ही कर लेते हैं ना, 5000। एक चीज नोट किया आपने, ये देखिए उन्होंने इमेज के ऊपर डायमेंशंस पे बड़ा फोकस किया हुआ है पैकेजिंग की, और जो मेन इमेज है उसी के अंदर डायमेंशंस थी, ठीक है, तो उसका पर्पस यही है कि दे नो कि अमेजोन सेलर्स क्योंकि इसको ले रहे हैं, और अमेजोन सेलर्स आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द पैकेजिंग, तो उन्होंने वो पैकेजिंग के डायमेंशन यहाँ पे बता दिया कि 2.3 सेंटीमीटर की विड्थ है, 26 सेंटीमीटर ये है, 16.5 इसकी ये है, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्राइस दे दी है। अब इसके अंदर कितने बैंड्स हैं उसको आपने कंफर्म करना है, एक कितने बैंड्स हैं और दूसरा कलर्स कितने हैं, ठीक है, दोनों चीजें मैटर कर रही हैं, कितने बैंड्स हैं और कलर्स कितने, क्योंकि मिल तो ये आपको 0.71 डॉलर की भी जाएगी। जिस तरह ये वाली को सस्ती लग रही है, लेकिन आपको 5000 बैंड्स और 40+ कलर्स वो चाहिए। खैर, इसके कंटेंट्स आप देख लीजिएगा, इसमें इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, वेट दिया हुआ कि 80 पीसेस का कार्टन है, उसका जो वेट है वो 28 kg है, तो इट मींस के आपका पर पीस 350 ग्राम का पड़ेगा, 350 ग्राम का होगा, और 1 किलो में 3 पीस आएंगे आपके,
सो स्टेप्स 32 ग्रेट कलर्स अवर बैंड, ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने। खैर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अराउंड 1.5 इसकी कॉस्ट होगी, और जो शिपिंग है उसका आप लगा लें कि जी हमें पड़ेगा ये कोई 0.5 to 1 डॉलर के दरमियान। तो बल्कि एक और चीज़ है, यहाँ पे प्राइस जो लिखी हुई है वो डॉलर में लिखी हुई है, और आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, पाउंड्स में, और डॉलर और पाउंड की प्राइस में भी फर्क है अच्छा खासा, ठीक है। तो ये वाली कन्वर्जन भी कर लिया था, नो टेक इट इक्वल 1.3 के करीब है पड़ता आपको, 1 पाउंड जो है ना 1.3 डॉलर के करीब पड़ रहा होता है, 1.3 या 1.23 था शायद, ये देख लेते हैं। USD to GBP, सॉरी इट्स अदर वे अराउंड, चल ठीक है ना, इसी कर लेते हैं हम, इसको करते हैं कि ये हमें कोई 1.5 की आइटम होगी, और अराउंड 0.7 जो है वो ऐड कर लें, तो वो इट वुड बी 2.2, तो 1.73 तकरीबन आपकी लैंडेड कॉस्ट होगी, ठीक है, 1.73 वुड बी आवर लैंडेड कॉस्ट। तो हम यहाँ पे क्या गया, ये ले लेते हैं, ये 639 में कैसे वजन दी जा रही है, समझ से बाहर। तो रनिंग कैलकुलेटर में बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए निकला पीएम से भी आप कर सकते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट, हाँ जी 1 मिनट में शेयर करूंगी, हल्का सा झटका लग गया जी। 20% को इसको खत्म कर लिया करें, जो एस्टिमेटेड बैट है ना 20% यहाँ पे लिखा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो आपका बैट है वो अभी बल्कि सबको 85,000 पाउंड्स तक बैट नहीं पे करना, ठीक है, तो उसको आप इंक्लूड ना किया करें, जब वो 85,000 पाउंड जब हो भी जाएगा उसके बाद फिर जो गार्ड मौजूद है, नहीं जी 38% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आ रहा है 4.59, इफ यू सेल विद द सेम प्राइस 11.99 में अगर आप सेल करते हैं तो 4.59 आपको प्रॉफिट होगा इसमें 38% मार्जिन के साथ, प्रॉफिट ठीक है क्योंकि पीपीसी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, यू कैन डू इन 20 to 25% जो आपकी कॉस्ट है ना, जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी वो आपकी तकरीबन 20% ऑफ द प्रॉफिट वहां पे निकलेगा, तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट नहीं होगा, 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो फिर भी आपको कोई 15 से 18% तक, 15% के करीब बच जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स अ गुड मार्जिन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा पूरा सारा जो स्टेप्स थे ये थे, इसके अंदर वी हैवंट गॉन थ्रू द शीट जस्ट बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट, इसके अंदर बजट हमारा कम लगे, लेकिन अगर आप 15 से 20 हज़ार पाउंड की प्रोडक्ट देखना चाहेंगे तो फिर यू हैव टू फॉलो द क्राइटेरिया गिवन इन द शीट, ठीक है, और अगर आप की जो बजट है टोटल वो कम है तो आप क्राइटेरिया को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, अगर आपका बजट ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी 50,000 पाउंड हमारा बजट है, इसके अंदर हमने प्राइवेट लेबल करनी, तो
फिर क्या होगा? अच्छा, वो जो 6 में दे रहे हैं ना, उसकी नंबर ऑफ आइटम्स कम होंगी और उसकी प्रोडक्ट छोटी है, ऐसे नहीं कि शिपमेंट उसको मिल रही है, ठीक है, उसकी BFE भी कम है, तो ही स्टिल प्रॉफिटेबल, उसकी आइटम डिफरेंट है, वो नंबर ऑफ ब्रांड्स वगैरह कम होंगे उसके। मेरा सवाल था, अभी एक सवाल का जवाब नहीं आया आपकी तरफ से किसी ने। बजट हो गया जी 50,000 पाउंड, आप क्या करें? हैंड रेज करके बताए कोई प्रोडक्ट हंटिंग आपका, आप इसका मुझे कोई क्राइटेरिया का आइडिया दें, क्या होगा, किस तरह से क्राइटेरिया क्या रखेंगे, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या रखेंगे, सर्च वॉल्यूम क्या रखेंगे, रेवेन्यू कितना रखेंगे और रिव्यूज वगैरह क्या रखेंगे, बजट ज्यादा हो गया, हैंड रेज करें, किसका समझाइए जी? इकबाल का शाहीन, शाहीना कोई भी नहीं है, एक शाहीना हमारे पास है जी। अस्मा रजा बताइए। शाहीना तो इसके बाद पता चलेगा कि मैं हूँ कि नहीं, मैं तो अपनी भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए कि बताती हूँ तो पता चलेगा कि भाई पता चला है कि नहीं, इसलिए पहले आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि मेरा नॉलेज ठीक है या नहीं। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप चेंज करेंगे, बजट चेंज करेंगे, जैसे 50,000 पाउंड का आपने, हेलो जी 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 जी, हाँ, तो फिर उसमें क्राइटेरिया जो आपने हमारे साथ शीट शेयर की थी ना यूके और यूएसए के, तो उसके अकॉर्डिंगली लगेगा, जिसमें सर्च वॉल्यूम हमने 10,000 से स्टार्ट किया था और 40,000-50,000 सर्च वॉल्यूम वाले में जो अभी शीट्स के साथ जो पिछली दी थी उसमें भी आपने डिस्कस किया था। फिर इसमें जो है प्राइस है वो हमने मतलब उसके अकॉर्डिंगली 17 से मतलब $25-22 तक या पाउंड तक हमने वो रखनी है। अच्छा, उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो मतलब 700 अगर हूँ, 800 मतलब 1,000 तक अगर हूँ तो वो चलेंगी। रिव्यूज जो है उसमें सॉरी आपकी आवाज हो रही थी पर आप तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया, मैं दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ हेलो, एक्चुअली पीछे वो फेरी वाला आ गया था भाई। अच्छा, इसमें ये मैं कहाँ से बता रही थी, बजट रिव्यू बता रही थी और अच्छा रिव्यूज का ये था कि वो जो टॉप 10 में यानी हमें कुछ 3-4 जो सेलर्स होंगे उनके रिव्यूज 250 तक होने चाहिए, और उसमें फिर मतलब मेन यही चीजें, बजट देखना था, रिव्यूज देखने थे, उसकी कंपटीशन हमने देखना था, चेक करना था, और ये 3 मेन चीजें थी। इसके अलावा ब्रांड्स का हमने चेक करना था कि ब्रांड में ब्रांड डोमिनेंसी वगैरह तो नहीं है, फिर अमेजोन कितनी दफा आ रहा है, अगर अमेजोन 2 दफा हो तो ये ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो एक दफा वो वैलिडेशन शीट अपने सामने खोले और अगर खुल सकती है तो, या चलो मैं ओपन कर देता हूँ। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स चेंज होंगे, सिर्फ हमारा जो चेंज हुआ क्या हुआ, बजट हमारा था पहले 15,000 पाउंड का जिसके लिए हमने बनाया था ये क्राइटेरिया, बजट ज्यादा हो गया, बजट हो गया 50,000 पाउंड का, हमें 50,000 पाउंड में लॉन्च करनी है। अब इसमें से कौन कौन सी चीजें हमें चेंज करना पड़ेंगी, ये वाले जो क्राइटेरिया के अंदर था ना, लाइक वेबसाइट के 3 sellers having less than 250 reviews टॉप 10 में चाहिए, तो ये क्या 250 से ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कितने ज्यादा हो जाएंगे, रेवेन्यू एंड द प्राइस कंपीटिंग प्रोडक्ट ये सब कुछ। 50,000 सर, ये जो 50,000 पाउंड होगा हमारा बजट, उसमें तो ये ऑलरेडी जो क्राइटेरिया बताया यही सेट होगा ना, आपने जो कल बताया था वो तो 6,000 वाला बताया था। हाँ, लेकिन ये जो बना हुआ है ना ये 15,000 से 20,000 पाउंड के लिए बना हुआ है। 15,000 से 20,000 चले मैं चेक कर दूँ फिर। अच्छा, इसमें रिव्यूज जो है मेरे ख्याल में रिव्यूज तो यही रहेंगे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, कि उसको हम ज्यादा क्योंकि नए होंगे तो हमें कोशिश यही करनी है कि इतने रिव्यू दे रखे। अच्छा, रेवेन्यू जो है
वो 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा प्राइस जो है वो प्राइस भी ठीक है। अच्छा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो 1,000 तक मेरे हाल में होंगी, 700 to 1,000। सर्च वॉल्यूम इसका वो भी 10,000 से 25,000 40,000 तक का मेरे हाल में इसमें होगा। फिर अमेजोन का वही कि हम देखेंगे कि अमेजोन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ब्रांडों में ऐसे कभी यही रहेगा। गूगल ट्रेंड का सेम ही रहेगा, सीजनैलिटी चेक करनी पड़ेगी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट मतलब हमने उसमें देखना है, ऐसे सीजनल प्रोडक्ट तो हमने चूज ही नहीं करनी ना, वो चेक करेंगे। और अगर हम प्राइस इधर SNL की जो प्रोडक्ट है वो तो नहीं आएंगी इसमें, ज्यादा भी आ सकती है। अगर बजट ज्यादा है तो उसमें हम ज्यादा वेट वाली प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, और प्रोडक्ट वेटिंग भी यही रहेगी। सामने तो यही नजर आ रहा था, बस इतना पता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको। एक देखिए, रिव्यूज का थ्रेशोल्ड जो है हमारा, पहले हमारे नजदीक के जो 250 से लेस लोग हैं ना, वो थोड़े नए लोग हैं, और उस तक रीच हम इजीली कर पाएंगे, तो हमने ये थ्रेशोल्ड रखा था। तो इसको इंक्रीज करके आप 500 तक ले जाएं या 600 तक ले जाएंगे, कि 500 600 रिव्यूज तक के अगर भी लोग हैं तो उन तक भी हम पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑन एडवर्टाइजिंग। हमारे पास पैसे हैं, हम लगाने एडवर्टाइजिंग पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू है जी, हम प्रोडक्ट्स देख रहे थे कि जिनमें कम से कम कोई 5 सेलर्स 6,000 पाउंड तो बना रहे हो, तो इसको हम ज्यादा कर लेंगे। हम वो प्रोडक्ट देखेंगे जिसमें कम से कम कोई 5 सेलर्स टॉप 10 में 20,000 25,000 पाउंड बना रहे हो, ठीक है। बड़ी बड़ी प्रोडक्ट होंगी, बड़ी से मुराद ज्यादा सेल्स वाली, ज्यादा रेवेन्यू वाली, ठीक है। प्राइस थी 10 to 29.9। हम प्राइस जो है, अब हम क्योंकि हमारे पास पैसे हैं तो हम हाई प्राइस को भी कर सकते हैं, हम 70 80 पाउंड वाली चीज भी ले सकते हैं, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है वो हमने 500 से नीचे नीचे रखनी थी, तो इसको हम 1,000 1,500 तक भी लेके जा सकते हैं, कि भाई क्योंकि हम पीपीसी पे स्पेंड कर रहे होंगे, हमारे पास पैसे होंगे, तो हम कोई अगर 1,000 1,500 तक भी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो भी हमें एक्सेप्टेबल है। सर्च वॉल्यूम 6,500 था, लो सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट थी, तो ये ज्यादा हो के हम कहेंगे कि मिनिमम 15,000 सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट का होना चाहिए, यहीं से ऊपर ऊपर आना चाहिए। बाकी अमेजोन सेलर विल रिमेन सेम, ब्रांड डोमिनेशन विल रिमेन सेम, गूगल ट्रेंड ट्रेंड सेम रहेगा, सीजनलिटी नहीं होनी चाहिए। वेट वॉल्यूम में अब आप प्राइस अप कर रहे हैं तो वेट वॉल्यूम भी ज्यादा हो सकता है। रेटिंग विल रिमेन सेम, जेस अपॉर्चुनिटीज को लैंड कॉस्ट प्रॉफिट ऑल ऑफ दिस विल रिमेन सेम, ठीक है। मजा आ गया। तो अब आपको अगर कोई कहे कि कनाडा में प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताएं, कनाडा में प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताएं, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा आपका? बजट का। वेरी गुड जी, आप बजट का पूछेंगे कि वजन पैसे कितने हैं, लगाने कितने आपने, ठीक है। तो बजट के हिसाब से क्राइटेरिया बनेगा। यू अमेंड दिस क्राइटेरिया एज पर द मार्केट प्लेस, जो भी मार्केट प्लेस होगी, ठीक है। सेकेंडली, बजट के बाद अगली चीज कि क्या आप लोकल सोर्सिंग कर सकते हैं या आप ओवरसीज सोर्सिंग करना, क्या आपके नॉलेज में ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है या आपको प्रोडक्ट मैंने हंट करके देनी है, ठीक है। अगर आपने हंट करके देनी है तो फिर एक आप लोकल सोर्सिंग की ऑप्शन सामने रखेंगे कि भाई लोकल सोर्सिंग में ये प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, उसमें ये बजट होगा। चाइना से सोर्सिंग करनी है, ये प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, ये बजट होगा। पाकिस्तान से अगर कोई प्रोडक्ट लेनी है, अगर आपका वहाँ पे कोई सोर्स है, यू कैन इंश्योर द क्वालिटी, तो फिर ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बजट होगा, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट के ऊपर फिर आपका फर्दर सारी वर्किंग डिपेंड करी होगी, या ये दोनों वाइस वर्सा हैं, या तो अपने बजट के हिसाब से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो आपको उसके हिसाब से फिर बजट रखना ही होगा, ठीक है। तो अगर पहले बजट आ गया, बजट का पता है, तो फिर उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट निकालेंगे।
ये नहीं होगा कि आपके पास अगर 15,000 पाउंड है, आप कहेंगे मैंने बेडशीट सेल करनी है US में, ठीक है, तो हो नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लोकल सोर्स का पता कैसे चलेगा? देखिए आप ये प्रोडक्ट पर डिपेंड कर, अगर प्रोडक्ट आपकी इस तरह की है जो कि लोकल सोर्स हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल पैकेजिंग की चीजें हैं, पैकेजिंग है, पॉली बैग्स हैं, या फूड पैकेजिंग है, या जिस तरह एग्जाम्पल वो देता हूँ तो स्पाइसेस की वो है, या कोई लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट्स की चीज है, या कोई लोकल बनने वाली किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी लोकल सोर्सिंग हो सकती है। प्रोडक्ट देख के पता चलेगा ना कि लोकली मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जी मैपल सिरप का ब्रांड बनाना है, कैनेडा में बनाना है, तो मैपल सिरप आपको वहीं से मिलेगा ना, चाइना से तो नहीं मिलेगा, बनते ही वहां पे। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कोई किसी को कोई शक शुबा इबहाम मसला मसाई किसी भी किस्म का कोई चीज आपको तंग कर रही हो तो बताएं। हाँ जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस साथ साथ करें, साथ साथ करें। जिस दिन आपने अगर हफ्ते बाद की ना प्रैक्टिस, तो आपने कहना कि क्या हीलियम में तो इतने सारे बटन है, मुझे नहीं समझ आ रही किस पे जाने। लो जी शाहिद इकबाल साहब, कल भी हमने रिवाइज पे लगा दिया, आज का दिन भी रिवाइज पे लगा दिया, और क्या चाहते हैं आप, 3 महीने प्रोडक्ट हंटिंग ही करते रहे आप जी। स्लाइड्स वो शेयर कर दी है मैंने पहले वाले दो, ये वाली फिनिश होंगी तो ये हो जाएंगी जी। मैं आनी रात इसी तरह सेट होगा एज पर योर बजट एंड सोर्सिंग कहाँ से हो रही है उसके हिसाब से। सर्च वॉल्यूम ऑफ 50,000 आप मिनिमम 15,000 रखेंगे, 15,000 से ऊपर जाएंगे। सर्च वॉल्यूम का बजट से क्या ताल्लुक है? अच्छा मेरी बात सुने, जब प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है तो ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी वाला आता, नहीं सुना? तो जब ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है तो ज्यादा सेल्स आती हैं, ज्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर आपको ज्यादा सेल्स हैं और ज्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं तो फिर ज्यादा स्टॉक लेना पड़ता है, ज्यादा स्टॉक पे ज्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है, और ज्यादा स्टॉक है तो एडवर्टाइजिंग भी ज्यादा करनी पड़ती है, उस पर भी ज्यादा पैसे लगते हैं, इस वजह से। जी करा नहीं, अभी स्टार्ट करेंगी कैलकुलेशन, सब खुद करना शुरू करेंगी तब ये इजी होंगी, अदरवाइज इट विल रिमेन अ मिस्ट्री फॉर यू, ठीक है। जब तक खुद आपके सारे प्रोसीजर से कई दफा गुजरेंगे नहीं वैलिडेशन के, तो चीजें नहीं खुलेंगी। अच्छा जी, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। अब जब प्रोडक्ट आपने हंट कर लिया ना, अगला काम आपका क्या होगा? आप सोर्सिंग को जुड़ जाएंगे, ठीक है। सोर्सिंग को जब जुड़ जाना है ना, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहला आपका राइट कंट्री सेलेक्ट करना कि ये प्रोडक्ट किस मुल्क से लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? आपका राइट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना कि उस कंट्री में किस प्लेटफॉर्म से लेनी है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट चाइना, तो चाइना में प्लेटफॉर्म्स कितने हैं? बेशुमार हैं, जो कि होलसेल प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करते हैं। अलीबाबा है, 1688 है, ताओबाओ क्या एक वो भी आ गया है,
और इसके अलावा आपका जो है वो क्या कहते हैं, मेड इन चाइना है, DHgate है, ठीक है, और ग्लोबल सोर्सेस ट्रेड, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपने सबसे पहले फिर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अगला काम क्या है आपका, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद उससे अगला काम क्या है, प्रोडक्ट आपको पता है क्या है, सप्लायर सेलेक्ट करना। ठीक है, सप्लायर जब सेलेक्ट हो गया तो फिर अगर तो सप्लायर आपको शिपिंग दे रहा है तो फिर आपकी शिपिंग उसी के थ्रू हो जाएगी, यू डोंट हैव टू हंट द फ्रेट फॉरवर्डर सेपरेटली। ठीक है, तो अगर सप्लायर आपको शिपिंग नहीं देता तो एक एडिशनल काम आपको करना पड़ेगा, फ्रेट फॉरवर्डर हंट करना पड़ेगा। फ्रेट फॉरवर्डर हंट होगा तो उसका लाइसेंस करवाएंगे सप्लायर के साथ। फिर एक और तीसरा बंदा आपको ढूंढना है, वो कौन है, वो है इंस्पेक्शन टीम। जैसे आपने स्टॉक की इंस्पेक्शन करवानी, आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा फैक्ट्री में, तो फिर ये इंस्पेक्शन वाले भजन जाएंगे कि जाके आपने जो इनको चेकिंग क्राइटेरिया लिख के दिया होगा कि आपने इस तरह से चेक करना है, ये उस क्राइटेरिया के ऊपर आपका स्टॉक चेक कर लेंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, आप उस स्टॉक को ओके करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर रिजेक्ट करेंगे तो वो दोबारा बना के देगा सप्लायर, दोबारा बनाने के बाद फिर आप इस इंस्पेक्शन वाले भेजेंगे, जब वो ओके हो जाता है। तो ये सब कुछ अभी सारा कुछ आना है आगे, सोर्सिंग के अंदर की इंस्पेक्शन कहाँ से मिलेगी और क्या क्या चीज़ कहाँ से मिलेगी, यही हमें करना है अगले 3-4 दिन। अच्छा जी, आपका वो जब इंस्पेक्शन हो गई और फ्रेट फॉरवर्डर मिल गया, सप्लायर मिल गया, तो उसके बाद फिर आपने इसको शिप करवाना। ठीक है, अब शिपमेंट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट या बाय एयर होगी या बाय सी होगी। ठीक है, उसके बाद बाय एयर या बाय सी शिपमेंट के बाद ये डायरेक्टली स्टॉक जाएगा आपके अमेजोन वेयर हाउस में। ठीक है, चाइना का अगर जो है वो है आपका डोंगजू, वहाँ से जा रहा है पोर्ट में, पोर्ट से जो है वो शिप में जा रहा है, यूके पोर्ट पे उतर रहा है, US पोर्ट पे उतर रहा है, वहाँ से आगे अमेजोन वेयर हाउस में जा रहा है। अच्छा, इसमें एक स्टेप मैं भूल गया, एक स्टेप आपका ये है कि आपका जो सप्लायर जब फाइनल हो जाता है, सप्लायर फाइनल हो जाता है, अभी आपने ऑर्डर नहीं दिया, सप्लायर फाइनल हो गया, प्राइस फाइनल हो गई, तो फिर आप लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे उसके ऊपर, अमेज़न पे। ठीक है, इसके बाद वाला जो अगला हमारा होगा ना सब्जेक्ट, वो लिस्टिंग ही होगा। आप लिस्टिंग के ऊपर काम शुरू करते हैं, क्योंकि आपका जब स्टॉक वहां से चल पड़ेगा चाइना से, तो उसको अगर बाय एयर आ रहा है तो 15 दिन लग जाएंगे, 10 से 15 दिन। बाय सी आ रहा है तो उसको 1.5 से 2 महीने तकरीबन लग जाएंगे। ठीक है, तो उस दौरान आपका क्या काम है, आपने अपनी जो लॉन्च एंड रैंक स्ट्रेटजी है वो बनानी है और अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, उस दौरान ये वाली वर्किंग होती है सारी। तो ये क्या हमारे अगले स्टेप्स हैं, अभी जो सोर्सिंग के स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे कि वो क्या क्या, उसके अंदर जो सारे काम है वो कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो आपको समरी समझ आ गई है कि सोर्सिंग की समरी क्या है और उसके अंदर होता क्या क्या। सोर्सिंग जो है इट रिवॉल्व अराउंड आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग पोटेंशियल सप्लायर्स और एज वेल एज सेलेक्टिंग एंड एंगेजिंग विद एन अप्रोप्रिएट सप्लायर हू ऑफर्स द बेस्ट वैल्यू। ठीक है, आपको एंड पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, आपका एग्रीमेंट होगा बायर एंड सप्लायर के दरम्यान में कि प्रोक्योर क्या हो रहा है और किस टर्म्स और कंडीशन के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो रिटर्न में होगा सारा कुछ, जुबानी कलामी चैट पे, फोन पे नहीं होगा कि भाई ये वाले 1,000 पीस दे दो, कहेगा ठीक है मैं भेज रहा हूँ भजन पैसे दे दें, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज सुन लें, ये जो सोर्सिंग का काम है ना, ये एक सेपरेट स्किल है पूरी। स्टार्ट में मैंने आपको ओरिएंटेशन के दिन भी बताया होगा कि ये जो टोटल हम अमेजोन का बिजनेस कर रहे हैं ना, आप इसको बिल्कुल इस तरह से ना लें कि ये अमेजोन का काम है, अमेजोन का काम है, ये सब कुछ अमेजोन से रिलेटेड है। नहीं, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड, वी आर जस्ट बिल्डिंग दैट ब्रांड ऑन द मार्केट प्लेस।
But if you're building that brand of your own on Shopify, on your own WordPress website, या on your physical retail store, तो फिर भी steps यही हैं. थोड़े से हम उनके steps बीच में से निकलेंगे, लेकिन brand build करने की चीज़ें यही हैं. ठीक है, तो इसमें जो आपका sourcing का काम है ना सारा, ये एक separate पूरी skill है जिसके ऊपर लाखों लोगों का जो है वो रोजगार जुड़ा हुआ चाइना में. उनका काम क्या है, सिर्फ वो सोर्सिंग करवाते हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये लाखों लोग तो मैंने आपको वो बता दिए जो चाइना में मौजूद हैं और वहाँ बैठ के सोर्सिंग में हेल्प कर रहे हैं. इसके अलावा और कई लोग हैं जो कि चाइना में नहीं है, वो अपनी कंट्री में है लेकिन वो सोर्सिंग का काम कर रहे हैं. किस तरह से होता है आपके अभी, कैसे होगा? बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो सोर्सिंग करेगा, या तो कोई अमेजोन का हो सकता है सेलर, या कोई ईबे का सेलर हो सकता है, शॉपिफाई का सेलर हो सकता है. अब वो जो इन्वेस्टर है या सेलर है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक प्रोडक्ट के सप्लायर ढूंढ के उनसे निगोशिएट करे, निगोशिएट करने के बाद उसकी इन्वेंट्री बनवाए, इंस्पेक्शन करवाए, उसको शिप कराए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ फुल टाइम जॉब. ठीक है, तो इन्वेस्टर इस काम में नहीं पड़ता. इन्वेस्टर क्या करता है कि एक सोर्सिंग एजेंट हायर करता है, वो हायर किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कर सकता है, या डायरेक्टली आप अपना किसी प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, लिंक्डइन पे कर लेते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आपको कोई बंदा हायर करेगा कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, आपने इसकी सोर्सिंग करवानी है. ठीक है, ये सोर्सिंग का काम सेपरेटली होता है ये, और ये जस्ट अमेजोन के लिए नहीं होता, ये किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हो सकता है या किसी के फिजिकल बिजनेस के लिए भी हो सकता है. मुझे याद है कि शुरू के दिनों में एक क्लाइंट था हमारे पास, और उसकी तकरीबन 400 के करीब प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स थी, 400 के करीब पीएल्स. ठीक है, और डेली कंटेनर आते थे उसके, डेली कंटेनर आते थे, डेली इन्वेंट्री नहीं आती थी, डेली कंटेनर आते थे जिसके अंदर प्रोडक्ट्स होती थी. ठीक है, यूके में, और उसकी सारी, उस पीएल को, सारी शिपमेंट्स को, सोर्सिंग को, सबको मैनेज करने के लिए एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा था, कि वो उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ह्यूज थी कि वो ये एक्सेल शीट्स में और इस तरह से सब कुछ मैनेजेबल नहीं था. उसके लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर उसने बनवाया और वो उस तरह से सब कुछ चल रहा था. अब मुझे बताएं कि इस तरह के लोग अगर हैं तो वो क्या सोर्सिंग खुद करेंगे बैठ के? इवन वो कोई वर्चुअल असिस्टेंट भी उनका काम नहीं कर सकता है. ठीक है, कोई एक दो बंदे भी नहीं कर सकते हैं. दे नीड सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर ईच एंड एवरी टास्क. ठीक है, सोर्सिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा पूरा, जिसके अंदर सोर्सिंग के लोग जो है वो ओवरसीज हो सकते हैं, या अब वहाँ पे फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट लोग, तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं ना, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स वुड बी ओवरसीज. सोर्सिंग का डिपार्टमेंट अलग है, लिस्टिंग इमेजेस वगैरह बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग है, पीपीसी बनाने वाला अलग है. ठीक है, तो वो पूरे डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं अलग से. तो इसका ताल्लुक अमेजोन से बिल्कुल नहीं है. इस स्किल को अपने जहन में बिठाइएगा कि आपने अगर इसका काम ढूंढना है, सेपरेटली आप इसका काम ढूंढ सकते हैं बाय बीइंग एक्सपर्ट ऑन इट. आप पाकिस्तान में इवन बैठे जो होलसेलर्स हैं उनको इसकी सर्विस दे सकते हैं. ठीक है, जो कि दराज के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, दराज के ऊपर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बट दे आर नॉट इम्पोर्टिंग देमसेल्व्स, आप उनको भी इसकी सर्विस दे सकते हैं. सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स, अच्छा, अभी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ना ऐड भी हो गए हैं. यू विल बी एक्सप्लोरिंग दोज प्लेटफॉर्म्स एंड लेटिंग मी नो कि और कौन कौन से ऐड हुए हैं, स्पेशली इन चाइना. ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट में करना, मुझे बताना कि कौन कौन से नए प्लेटफॉर्म्स ऐड हुए हैं, उनकी क्या जो मेथड है वहाँ से प्रोक्योर करने का, पेमेंट के मेथड्स क्या हैं, हाउ मच अथेंटिक दे आर, और उन पर सप्लायर्स की अथेंटिसिटी किस तरह से चेक होती है. ठीक है, ये सारा कुछ आप लोगों ने करना. सबसे पहले आ जाए जी अली बाबा के ऊपर. सारा नाम सुना हुआ है, ठीक है,
चाइना का जो हमारा ओके अच्छा ठीक है, चाइना का ये जो रेवेन्यू है उसके अंदर बहुत बड़ा शेयर है इनका, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 2012 टू अलीबाबा पोर्टल्स टुगेदर हैंडल 1.1 ट्रिलियन यॉन सेल्स, ठीक है। अच्छा ओवरऑल भी इसकी जो सेल्स है ना, जो रेवेन्यू है, ये अमेजोन ई बे एक्सी वगैरह सारों को मिला भी लेना तो सबको मिला के भी इससे ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है कि दे आर डीलिंग इन बल्क, ये बल्क क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, ठीक है, और कंटेनर्स में डील कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेलिंग इन रिटेल, ये कंटेनर्स में डील कर रहे होते हैं तो फिर ऑब्वियसली रेवेन्यू ज़्यादा ही होता है, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं लेकिन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनका रेवेन्यू जो है ना वो आपके ये ई पे अमेजोन वगैरह उन सबको मिला के उससे ज़्यादा है। अच्छा ये प्लेटफॉर्म के अंदर हम कुछ फिर डिटेल में करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। अलीबाबा का तो हम डिटेल में करेंगे ना डिस्कस आके, अभी उस पर अकाउंट बनाएंगे और फिर उसके साथ खेलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। 1688 काफ़ी लोगों को पता चल गया है, जिनको नहीं पता 1688 एक प्लेटफॉर्म है जो कि अलीबाबा की ही सिस्टर वेबसाइट है, और ये चाइना की इन इन लैंड जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस है उसका ये लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इन लैंड बी टू बी ट्रेड है जो, ठीक है, इन लैंड बी टू बी ट्रेड का मतलब है कि एक तो आप बी टू बी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना अलीबाबा के साथ, आप पाकिस्तान बैठ के यूके यूएस बैठ के बी टू बी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन चाइना के लोग विद इन द चाइना जो बी टू बी ट्रेडिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज कपड़े बेचने वाला एक वो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठा हुआ है, शोंगजू मोंगजू किसी के अंदर भी बैठा हुआ है, वहां पे उसको चाहिए कपड़े, तो वो क्या यूज करेगा, वो 1688 को यूज करता है सप्लाई ढूंढने के लिए, और वहां से ढूंढ के वो उधर से स्टॉक मंगवाता है, वो अलीबाबा को यूज नहीं करता। अलीबाबा जो है वो उसका फोकस है इंटरनेशनल क्लाइंट्स, और 1688 का फोकस है चाइनीज क्लाइंट्स, चाइनीज रिटेलर्स होलसेलर्स, ठीक है। अब इस वजह से ये जो 1688 है ये टोटल चाइनीज में है सारा, ये सारा चाइनीज में है, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर वो बेहतरीन हल है, वो हम यूज कर सकते हैं और वहां से हम प्राइसेस दे सकते हैं, यहाँ पे यौन के अंदर प्राइसेस होती है सारी, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मे बी देयर देयर वुड बी एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू यूएसडी, उसको भी देख लेंगे। अच्छा 1688 बेसिकली इनका वो कोई लकी नंबर टाइप है, जिस तरह हमारा नहीं 786 बनाया हुआ लोगों ने बिस्मिल्ला, तो ये 1688 उनका कोई बिस्मिल्ला टाइप चीज है, ठीक है। इसकी शक्ल जिन लोगों ने नहीं देखी हुई वो देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ। अली बाबा अली एक्सप्रेस रिटेल के लिए बनाया हुआ, ठीक है, इट्स बीइंग यूज फॉर रिटेल या ड्रॉप शिपिंग के लिए वो ज्यादा यूज हो रहा है, और अली बाबा जो है वो होलसेल में यूज हो रहा है सारा, बल्क डीलिंग्स में यूज हो रहा है, ठीक है। अली एक्सप्रेस पे सिंगल प्रोडक्ट आपने लेनी है तो इन्होंने बनाया 1688, वहां से जाके लें, ठीक है। कार्टन लेना है, दो कार्टन लेना है, कंटेनर पूरा लेना है तो फिर आप अली बाबा से लें, ले जी ये 1688 है। अच्छा चाइना की जितनी भी होलसेल की वेबसाइट खोल के देख लेंगे ना, आपको यही फॉर्मेट मिलेगा जो कि अलीबाबा का है, डिजाइन जो है ना वो यही मिलेगा, पता नहीं इनको और कोई डिजाइन आता नहीं है या फिर अलीबाबा ही बेसिकली ओन कर रहा होगा बाकी जितनी जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह ये है वो क्या नाम है सब तो बट मेरे जहन में आ जाता है, वो कश्मीर का जो पॉइंट है इसका नाम कोई टबाओ है शायद, टबाओ हाँ टबाओ ताओ हाँ ताओ बाओ, इसके अलावा मेड इन चाइना डॉट कॉम ओपन करेंगे, डीएचएल डीएचएल नहीं वो क्या नाम है डीएच गेट, डीएच गेट ओपन कर लें, ये
या और इस तरह कर लें, सारों की शक्ल एक जैसी है। अब या तो किसी एक ही बंदे ने बनाए हैं ये, मतलब वो बेसिकली अली बाबा की एंटिटीज हैं, उन्होंने अलग नाम से बना दी, या फिर इनको डिजाइन ही बनाना आता, पता नहीं अब क्या हो जाए। ताओ पाओ की भी चाइनीज में ऐसे अच्छा, ये गूगल ट्रांसलेटर ने इसको किया नहीं अभी तक। नहीं, ईबे एटसी के ऊपर हीलियम जेएस वगैरह खुद ही काम करेगा, उसके लिए सेपरेट टूल्स है, उसके टूल सेपरेट है। अच्छा जी, ट्रांसलेशन इन प्रोग्रेस, पता नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल ट्रांसलेशन है कि जो वर्जन कर रहे हैं और वो नहीं रही है इनसे। अच्छा ये जो 1678 है ना, एक तो मैंने बता दिया आपको कि ये फोकस्ड है ऑन फॉर चाइनीज होलसेलर्स, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कुछ चीज़ें आपको सस्ती मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू अली बाबा, क्योंकि वो जो चाइनीज उनके सप्लायर है लोकल, उनके लिए बनाया हुआ है। लेकिन इट्स नॉट अ रूल फॉर एवरी प्रोडक्ट कि हर प्रोडक्ट आपको अली बाबा पर महंगी मिलेगी, यहाँ पर सस्ती मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें अलीबाबा पे सस्ती हैं और यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं, तो आपको जस्ट यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि कहाँ से सस्ती मिल रही है। अब अगर आपको 1688 से सस्ती मिल रही है तो क्या आप यहाँ से बाय करेंगे? उसके अंदर इश्यूज हैं। आपको देखिए, अलीबाबा का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है आपका ट्रेड अश्योरेंस। ट्रेड अश्योरेंस क्या है कि आप जब सप्लायर को पैसे देते हैं, जब आप पे करते हैं फॉर योर इन्वेंट्री, तो इट डजंट डायरेक्टली गो टू द सप्लायर, वो जाते हैं अलीबाबा के पास। ठीक है, अलीबाबा पैसे रिसीव करता है और सप्लायर को कहता है कि भाई पैसे आ गए मेरे पास, आप प्रोडक्ट शिप करते हैं, सप्लायर शिप कर देता है। शिप करने के बाद जब इन्वेंट्री आपके पास पहुंच जाती है एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, तो आप उसको रिलीज करते हैं, तो मुझे प्रोडक्ट या ऑटोमेटिकली उसके अंदर टाइमलाइन दी होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि इतने इतने बाद जो है वो रिलीज हो जाएगी, या जो भी टर्म्स आपके डिसाइड हुई हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट आप रिलीज करते हैं और उसके बाद वो सप्लायर को मिलती है। ठीक है, तो अलीबाबा दरमियान में जो है वो आर्बिट्रेटर का काम कर रहा होता है कि अगर आपका कोई इश्यू हो जाता है, आपको इन्वेंट्री पूरी नहीं आती, आपको जो इन्वेंट्री आती है इट्स नॉट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द क्राइटेरिया डिफाइंड, तो फिर आप डिस्प्यूट ओपन कर, फिर ऐसा नहीं होगा कि आप रिफंड क्लेम कर लेंगे या आपको आपकी प्रोडक्ट्स के वो उसको वापस चल जाएंगी और पैसे आपको मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। डिस्प्यूट ओपन होता है, डिस्प्यूट के अंदर फिर आप अपने एविडेंस देते हैं सारे और सप्लायर अपने एविडेंस देता है, अली बाबा उसके ऊपर डिसीजन करता है कि किसकी गलती है एंड वो शुड बी पेनलाइज्ड, सप्लायर दोबारा स्टॉक भेजे या फिर कस्टमर जो स्टॉक आया उसको रख ले। ठीक है, अब ये जो केस ओपन होता है ना, ये केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स बीन ऑब्जर्व कि आपका जो सप्लायर है ना उसको जो फेवरेटिज्म दिया जाता है कुछ। ठीक है, उसकी वजह क्या है? आपका जो अलीबाबा पे अकाउंट है वो फ्री अकाउंट होता है, जो बाहर अकाउंट होता है, लेकिन जो सप्लायर का अकाउंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, पाकिस्तान में अभी जो कोई $1,200 के करीब इसका रेट है सप्लायर अकाउंट ओपन करने का। ठीक है, और
ये जो 1,200 डॉलर का रेट है ना, इट्स वेरी बेसिक, सप्लायर को ज्यादा सपोर्ट करता है ना। अब ये बड़ा बेसिक अकाउंट है जो 1,200 डॉलर में आपको मिल रहा है। अगर आप उसके ऊपर वेरीफाइड सप्लायर का बैच लेते हैं और इसके अलावा ट्रेड एश्योरेंस लेते हैं, आप उसके ऊपर वो जो डायमंड है वो सारा कुछ लेते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट उसकी पड़ जाती है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, कोई 30,000 डॉलर साल का पे कर रहा है अलीबाबा को जस्ट एक सप्लायर अकाउंट के लिए, और आपने फ्री का अकाउंट बना के 500 डॉलर की चीज परचेज की है, तो फिर वो ऑब्वियसली सप्लायर को ही ज्यादा जो है वो करेगा ना, फेवर देगा, ठीक है, आपको कम देगा। तो ये है, इसमें कोशिश करें कि ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर आपने ज्यादा रिलाय नहीं करना, अपनी तसल्ली जो है वो खुद रखनी है, बजाय इसके कि आप ये जहन से निकाल दें कि बाद में डिस्प्यूट ओपन होगा और मैं उसके पैसे जो है वो मुझे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ हल्का सा डेंट वो सप्लायर को डालते हैं और ज्यादा डेंट जो है वो बायर को डाल देते हैं। अच्छा जी, ये जो 1688 है ना, ये लेंदी ट्रांसलेट हो गया, मुबारक हो आप लोगों को। यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं, आप होम फर्निशिंग्स इम्प्रूवमेंट ऑफिस कल्चर यहाँ पे जा सकते हैं, होम इम्प्रूवमेंट में। अच्छा 1688 पे वो नहीं है ना, बात वहां से शुरू हुई थी। अच्छा जी, आपने याद करा दिया, 1688 में ट्रेड इंश्योरेंस और वो आपको उसका इश्यू आता है, ठीक है। ऑफर वो करते हैं लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज देयर, ठीक है, अलीबाबा में उसको मैनेज करना ज्यादा इजी है। तो फिर करते क्या है कि 1688 से हम सप्लायर देख लेते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट सप्लायर इज अवेलेबल एट अलीबाबा, आप उससे फिर डील करके वहां और अलीबाबा पे बात कर लेते हैं, उसको बताते हैं कि भाई 1688 पे आप इतने का दे रहे हैं, मुझे इतने का ही चाहिए, ठीक है, उसका हल ये है। ज्यादातर वही सप्लायर अलीबाबा पे भी अवेलेबल होते हैं फॉर देयर इंटरनेशनल प्लांट्स। जी हाफिज दा मिफ्ताहुल जन्ना, मैंने आपको बता दिया कि आप वहां से सप्लायर देखेंगे और सप्लायर से आप अलीबाबा पे रब्ता करके वहां से बाय करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी आप लोगों का आज का काम क्या है, आप लोगों ने 1688 के ऊपर अकाउंट बना लेना है, एक इस पे बना लेना है और एक आपने ये ताओबाओ पे बना लेना है। तीसरा काम क्या है, अलीबाबा से तो सबर हौसला फरमाएं, वही करना है अभी आगे हमने डिटेल में करना है। अच्छा जी, दो काम ये हो गए, एक तो इन दोनों पे अकाउंट बनाना है, तीसरा काम क्या है, तीसरा काम अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, हाँ जी याद है किसी को कि नहीं, प्लेटफॉर्म सोर्सिंग के प्लेटफॉर्म, चाइना में होलसेल ट्रेडिंग के जो प्लेटफॉर्म्स अदर देन अलीबाबा ओपन हुए हैं वो प्लेटफॉर्म आपने कलकत्ता ने, ठीक है। अब प्रोडक्ट हंटिंग, अब देखें ना आप लोगों की वो प्रैक्टिस हुई नहीं, अभी आगे के काम आते जाएंगे, आगे के काम आप साथ नहीं करेंगे तो फिर ये जमा होते जाएंगे, और फिर ये भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ मैं शुरू से ही आपको रिक्वेस्ट फरमा रहा हूँ कि साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, रिकॉर्डिंग्स वाला डिपार्टमेंट जो है वो नहीं पॉसिबल नहीं है, वो स्टार्ट में शेयर कर दी थी, अभी नहीं आगे नहीं होंगी रिकॉर्डिंग्स, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, तो रिकॉर्डिंग वाला आपने बिल्कुल नाम लेने नहीं किसी, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। बायर अकाउंट बनाना है, सेलर अकाउंट जो है वो पेड अकाउंट होता है अलीबाबा पे स्पेशली, तो आपने बायर अकाउंट बनाना है, 1688 पे बना लेना है और
टावा पे बना लें, इसके अलावा प्लेटफॉर्म ढूंढ लेने। वेरी गुड जी, वो देखिए वोटिंग कह रहे हैं किस पे करा लें, रिकॉर्डिंग पे करा लें, तो उस पे सारों ने पॉजिटिव वोट देना। चले ठीक है जी, आप लोग इसका ये कल टास्क आप लोगों ने करके आना है, ये 300 है। ठीक है मोहम्मद इब्राहिम, कैसे हैं आप? ठीक है चले। हाँ जी बाहर अकाउंट बनाना, बाहर अकाउंट बनाना। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं फिर। ठीक है।